बेटे की धूप इससे पहले कि ये लो शुरू हो मैं ही शुरू हो जाता हूं। ये सब लोग बगदाद की बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं। हो ना हो इनका सरपरस्त गुफा में ही होगा। इतनी पीछे से तो कुछ नहीं दिख रहा है, पर अगर मैंने तेजी से आगे जाने की कोशिश की तो ऐसा ना हो कि मैं इनकी नजरों में आ जाऊं। चल भाई कछुए, ये तो औरतों के कपड़े लग रहे हैं, यानी इनकी सरपरस्त कोई औरत है। टिकी तुम चाची आ गए मेरे जिंदा मुर्दों, खुश आमदीद। चाची इनकी सरपरस्त है। उल्लू गुल्लू का वो हाल भी इन्होंने ही किया होगा। शेख जी को इतनी देर क्यों लग रही है जफर को सुलाने में? ये लीजिए। दरअसल मैं सोच रहा था कि बगदाद में जो कुछ भी हो रहा है वो आईना ही तो है। आईना मतलब? मतलब सच का आईना। और सच ये है कि बगदाद में इन कमजरफों के साथ जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ, है ना? वैसे तो आसमान सर पे गिर पड़े तो भी ये पीता रहे, आज पी क्यों नहीं रहा है? वक्त निकलता जा रहा है, पी कमीने पी। शेख जी ने उस कमीने को बेहोश करने गए या फिर उसका मन बहलाने? या अल्लाह, ना जाने हमारे अलादीन का क्या हाल हो रहा होगा। Thank you.
हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि सोते हुए बुजुर्गों को सताना चाहिए, मनाना चाहिए, पर जल्दी कभी नहीं उठाना चाहिए। हम सो रहे हैं, हमें सोने दो। जिनमें ने तुमने हमें पहले क्यों नहीं उठाया? भागो, भागो यहाँ से, भागो, जल्दी भागो, भागो। क्या करें? जिनी मेरी बातें बातें बाद में, अगर जान प्यारी है तो भागो। कमीना सो गया, आइए। शुक्र है, हमें तो लग रहा था अभी तक आप उसे गोद में उठाकर लोरी सुना रहे होंगे। अब कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या छोड़िए, चलिए आइए आइए। या अल्लाह, बचाओ। या अल्लाह, हमें जिंदा मुर्दे से बचाओ। पसंद सोने की अशर्फियों की, अब बगदाद में कोई नहीं बचेगा। ये जिंदा मुर्दों का शहर बन जाएगा, लेकिन हमें अपनी फौज में और लोगों को शामिल करना होगा। अपने नाखून तेज करो। जैसा नाज़नीन कहती है वैसा करो। बाएं हाथ से गर्दन पकड़ो, दाएं हाथ से रूह को खींचो। अपने शिकार की आंखों में आंखें डाल के घूरो और घूरो। गर्दन पकड़ो, दाएं हाथ से रूह को खींचो। क्या नाटक चल रहा है? क्या ये वाकई जफर और शाइनी का काम है? और इसे अंजाम देने के लिए उन्होंने चाची को अपना हथियार बनाया है। आईने, सलाम। सलाम शिकार। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले। ये कौन है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। आईने के मायने तेजी से फैल रहे हैं, पर थोड़ी मेहनत और लगेगी। आईने, जरा गौर करो, कसरत चल रही है। बाएं हाथ से गर्दन पकड़ो, दाएं हाथ से रूह को खींचो। यानी मेरा शक सही था, इस सब के पीछे इस आईने का ही हाथ है। इस आईने के इतने टुकड़े करूंगा कि ये अपना चेहरा भी भूल जाएगा। पहले मुझे इसे अपनी गिरफ्त में लेना होगा। चारों तरफ जिंदा मुर्दे ही जिंदा मुर्दे। पकड़ा गया तो सारा का सारा रहता फैल सकता है, पर इस आईने को मजा चखाने के लिए ये खतरा तो मैं मोल लूंगा। इस आईने में लोहा लगा हुआ है, यानी इसे अपने पास बुलाने के लिए मुझे चुंबक की जरूरत पड़ेगी। चुंबक कहां से लाऊं? मिल गया रास्ता। अख्तर चाचा कबाड़ी वाले, जिनके झोले में चुंबक हो सकती है। आ,
वो तो जादू कर सकते हैं। चाचा गायब हो जाते जेने मेरे पहले हाँ सांस लेनी पड़ेगी समझ गई। ना जाने उस कमीने ने जादू या आईना कहां रखा होगा। पर तेरी परेशानी से मुझे उनकी मदद करनी होगी। आप कुछ नहीं कर सकते। पर तेरी परेशानी उनकी मदद कर सकते लेकिन सच यही है कि बहुत देर हो चुकी है। चाचा चिनी मिनी बहुत जिंदा मुर्दे बन चुके हैं। हाँ जी, और इस वक्त अगर हम वहां गए तो हमारा भी वही हाल होगा जो उनका हो चुका है। इसीलिए ना चाहते हुए हमें यहाँ पर सब्र से काम लेना होगा। चिनी मिनी चाचा और पूरे बगदाद की पूरी आवाम की जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर है। शेख जी चाचा सूखे से पर रास्ते के सबसे बड़े कांटे। कम भक्तों कसरत जारी रखो। तुम्हारी सरपरस्त आईने से गुफ्तगू कर रही है। मुझे वापस कोशिश करनी चाहिए अक्कर चाचा से चुंबक लेने की। आईने अब तुमसे बच के नहीं निकल सकता। कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। शायद नाजनीन की मोहब्बत खींच रही है। नहीं ये बदतमीजी कौन कर रहा है। बदतमीजी ये क्या हो रहा है। तुम नहीं करते उनके साथ ऐसे ही होता है। बेटी की तुम चिनी और चाचा तुम दोनों भी जिंदा मुर्दे बन गए तो फिर नकचड़ी और चिनी को क्या हाल हुआ होगा।
गई वो भी। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि ये जिंदा मुर्दा नहीं है। चाचा, इधर भी खतरा, उधर भी खतरा। उम्र है कुल 17, मैं अब क्या करूं? शेखजीनू, काला चोर ठीक तो होगा ना? होगा, होगा, वो जरूर ठीक होगा। लेकिन प्यारी परेशानी जी, सारा जी ठीक होंगी? हाँ, होंगी, होंगी। बस ऊपर वाला कुछ ऐसा करे कि हमेशा वाला भाई जल्द से जल्द इस मुसीबत की निजात लेके आ जाए। बगदाद पर जब भी मुसीबत आई है, हमेशा काला चोर खड़ा हुआ है। या खुदा, इस बार भी वो इस चीज में कामयाब हो जाए। आमीन। आने के दिन तो गए, अब लगता है हमेशा के लिए ऊपर जाने का मौसम आ गया। ये लोग तो मुझे ऊपर भेज के रहेंगे। टूटे दांत, फूटी किस्मत, क्या करूं मैं? अब जो भी करना है वो मेरी जिंदा मुर्दों की फौज करेगी। मरने से पहले अगर मुझ में अपनी शक्ल वकल देखनी है तो देख लो। मेरी शक्ल तो ठीक है, तू अपनी शक्ल देगा, पहले तुम्हें तेरा इंतजाम करूंगा। नहीं 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 नहीं, उसका इंतजाम तो कर दिया, अब ये लोग मेरा इंतजाम करेंगे। तुम्हें तेरा इंतजाम करूंगा। नहीं 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 नहीं, उसका इंतजाम तो कर दिया, अब ये लोग मेरा इंतजाम करेंगे। आज मेरे अपने ही मेरे पे हमला करना चाहते हैं। जीनी मिनी चाचा, तुम लोग पर कैसे हमला करूं? तुम्हारी तरह बनने के लिए तैयार हो जाओ। पिल्लू मेरे पास, जब मैं इंसानों को बेवकूफ बना सकता हूं तो ये तो सिर्फ जिंदा मुर्दे ही हैं। मुझे चाप को बुलाने का वक्त आ गया है। आका, मैं कहां हूं? मैं कहां हूं? तुम्हारी याददाश्त नहीं गई है अंगूठी छाप, तुम जिंदा मुर्दों की गुफा में हो। जिंदा मुर्दे, ये उस लड़के का चेहरा नहीं है। उस लड़के का? मेरा नाम अली है। नाम में क्या रखा है?
हमेशा मुसीबत के वक्त मुझे क्यों याद करते हो? अंगूठी छाप, बकवास बंद करो, तुम्हें वहम का जादू आता है। तुम वहम पैदा करो कोई। आधे सामने जाओ और आधे दाएं जाओ। शाबाश, चलो आकाश।